अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इस तरीके से आपको टमाटर की चटनी बनाना सिखाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही इस तरीके से बनती है। ये आप हर चीज़ के साथ खा सकते हैं, जो चीज़ भी आपको पसंद है आप इसको इसके साथ खा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होती है। जिन लोगों को ये पसंद है आपके लिए तो ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। ये बहुत ही आसान तरीके से बनेगी और जो चीज़ें घर में ही होती है वही से उन चीज़ों से बनेगी और बहुत ही कम चीज़ें इसमें यूज़ होती है। टमाटर है, सब्ज़ मिर्च है, लौंग, दालचीनी और लाल मिर्च और एक चम्मच चीनी। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने कितनी चीज़ें ली है। तो हमने यहाँ पर एक पाव टमाटर लिया है, सब्ज़ मिर्च हमने 2 अदद लिए और लौंग हमने 3 अदद लिए, चीनी हमने 2 खाने के चम्मच लिए, मैंने आपको सॉरी एक बताया, लाल मिर्च हमने 1/2 चम्मच लिया है और नमक हम इसमें डालेंगे, उस टाइम हमने यहाँ पर नहीं डाला। तो ये चीज़ें हमने लिए और दालचीनी हमने 1 टुकड़ा लिया है और आप अपने हिसाब के मुताबिक इसमें नमक और लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले टमाटर का छिलका हटा देंगे, आपने इसको पहले अच्छी तरह वॉश कर लेना है। तो हमने इसको वॉश कर लिया है तो अभी हम इसका छिलका हटा देंगे। तो चलिए हम इसका छिलका उतारते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही तरीके से बनती है, ये सबको पसंद आएगी। ये सब चीज़ों के साथ आप खा सकती है और सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि ये चटनी आपने बाहर से मंगवाई है कि ये, तो आप बताना कि हमने घर में बनाई है, तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर मांगेंगे। तो ये आपने ज़रूर एक बार घर में ट्राई करना है और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं तकरीबन 1 हफ्ते के लिए। और अगर आप इसको ज़्यादा स्टोर करना चाहते हो तो इसका अपना केमिकल होता है वो इसमें डालते हैं लोग, तो फिर ये साल के लिए भी हो सकता है, 6 महीने तक भी हो सकता है, 2-3 महीनों तक भी हो सकता है। वो उस केमिकल पर डिपेंड होता है कि वो आप कितना डालते हैं, तो उतना ही उसका जितना आप उसका उस पर आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना डालना है, तो उतना ही स्टोर हो सकता है, उतने दिनों तक स्टोर हो सकता है, महीने या साल, 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि फिर चीज़ खुद ही ख़राब हो जाएगी, इतना तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा। अगर कर भी सकता है तो मुझे ये अभी सही से पता नहीं कि 1 साल से ज़्यादा होता भी है कि नहीं। इसको हम बारीक काट लेंगे। लेकिन आई थिंक मुझे इस तरह लगता है कि 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि फिर चीज़ इतनी सा 1 साल तक ही रह जाए तो बड़ी बात है। ये देखिए हम इसको इस तरह काट रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपको फुल रेसिपी देते हैं जिस तरह हम अपने लिए घर में बनाते हैं और जिस तरह बाहर बनता है वैसे ही हम आपको फुल रेसिपी देते हैं। आपने बाज़ों का रेसिपीज देखी होंगी, वो आपको आधी अधूरी रेसिपी दे देते हैं, जब आप उसको ट्राई करते हैं तो वो रेसिपी आपकी सही नहीं बनती और आपका जो सामान वगैरह आप इसमें यूज़ करते हैं वो सारा ख़राब हो जाता है, तो आपकी रेसिपी भी ख़राब हो जाती है और आपका जो पैसे वगैरह आपने उस सामान पर लगाए आपके सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो फिर वो आप कहते हैं कि ये वाले भी ठीक नहीं, ये वाला चैनल, कुछ बाज़ औकात चैनल इस तरह होते हैं उसमें यही होता है, लेकिन हम आपको पूरी रेसिपी देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा चैनल आगे बढ़े, आपको हम अच्छी अच्छी रेसिपीज दें और आप उनको ट्राई करें। तो चलिए अभी हम दालचीनी और लौंग को पीसते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप पानी डाल दिया है, 1.5 कप पानी हम डाल देंगे और अभी हम इसमें टमाटर डाल देंगे, जिसको हमने वॉश कर लिया तो छिलका हटा दिया था वो हम डाल देंगे इस तरह। अभी हम इसको गलाएंगे इसमें कि ये टमाटर इसमें अच्छी तरह गल जाए। तो चलिए हम टमाटर को इसमें अच्छी तरह गला लेंगे। आपने इसको अच्छी तरह इसमें गलाना है, इस तरह कच्चा नहीं छोड़ना,
क्योंकि अगर ये कच्चा हुआ तो आपका जो चटनी है वो सही तरीके से नहीं बनेगी, और आपने इसको अच्छी तरह गलाना है कि इसमें जो पानी है ये भी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा और ये जो टमाटर है ये भी गल जाएंगे। तो अभी हम इसका ढक्कन इस तरह रख देंगे और इसको हम गलाएंगे इसमें। तो चलिए हम इसको अच्छी तरह गलाते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसका ढक्कन हटा देंगे। ये देखिए टमाटर इसमें गल चुके हैं और अभी हम इसको इस तरह मैश कर लेंगे। देखिए इस तरह। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है और अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, चीनी और जो हमने लौंग और दालचीनी की पीसा था उसको उसका हमने पाउडर निकाल दिया था वो भी इसमें डाल देंगे, और हरी मिर्च भी डाल देंगे उसको हमने बारीक काट लिया है। देखिए इस तरह आपने इसको बारीक काट देना है। आप स्पाइसेस अपने हिसाब के मुताबिक इसमें कम डाल सकते हैं कम ज़्यादा। अभी हम इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत ही इस तरीके से बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है, सबको पसंद आएगी। देखिए हम इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसको इतना पकाएंगे कि ये पानी और ये टमाटर एक जान ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे कि ये एक जान हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक जान हो चुके हैं। ये देखिए पानी इसमें अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और टमाटर भी इसमें अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है और बहुत ही इसका ये शक्ल से इतना अच्छा लग रहा है और तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए अभी हम इसको निकालते हैं बाउल में। तो ये देखिए हमने इसको बाउल में निकाल लिया है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन चुकी है। तो ये देखिए इतनी इजी रेसिपी और इतनी जल्दी बन चुकी है और बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसको बना सकते हैं घर में, बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही इस तरीके से बनती है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रही है और ये देखिए कितनी अच्छी है। ये आपने इस तरह डायरेक्टली आपने इसको इस तरह नहीं खाना, आपने इसको फ्रिज में रख देना है कि ये ठंडी हो जाए, तब आपने इसको अगर आपने इसको खाने उसके लिए निकाल देना, अगर स्टोर करना है तो फिर आपने स्टोर करना। आपने इसको इस तरह भी स्टोर नहीं करना है कि आप इसको लेकर सीधा गरम गरम जार में डाल दें, तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। आपने इसको पहले ठंडा करना है फिर उसमें डालना है, क्योंकि अगर आपने इस तरह उसमें डाला तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी और ये सही तरीके से आप इसका वो वाला टेस्ट और स्मेल दोनों नहीं होगा, ये सारा ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको इस तरह बिल्कुल नहीं करना। तो ये अभी रेडी है। ये देखिए बहुत ही तरीके से बना, हमने थोड़ा सा बनाया है क्योंकि हमने घर में पहले से ही बना कर रखा है। तो आप इसको हमने सिर्फ आपके लिए ये रेसिपी हम आपको सिखाना चाहते थे कि आपने इसको किस तरह बनाना है, तो हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये बनाया है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही इस तरीके से बनी है। तो चलिए आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।